दिनों खबरों में छाए हुए हैं पवन सिंह। पावर स्टार पवन सिंह जौनपुर में हैं, अपनी आने वाली फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग कर रहे हैं और पूरे 4 साल बाद वो भोजपुरी के मेगा स्टार रवि किशन के साथ नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर फिल्म में मेरा भारत महान में उनकी जो बबुआन वाली हीरोइन थी प्रतिमा घोष, उनका एक स्पेशल नंबर भी होने वाला है जिसके लिए वो जौनपुर पहुंच चुकी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि खबरों में क्यों बने हैं। खबरों में इसलिए बने हैं कि जिस तरह से बड़े जोरों शोरों से फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग चल रही है जौनपुर में, उसे लेकर खबरों में बने हैं। साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर रवि किशन ने हिंदू देवी देवताओं पर जो विवाद चल रहा है तांडव मूवी में, जिस तरह से उन पर अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं, उसे लेकर बहुत कुछ कहा है। और यहीं पर रवि किशन का साथ देते हुए पवन सिंह ने भी बहुत कुछ कहा है। और पवन सिंह का कहना है कि हम अगर किसी और धर्म की लोगों के सेंटिमेंट के साथ नहीं खेलते, नहीं खिलवाड़ करते, नहीं छेड़छाड़ करते, तो उन्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कुठाराघात करें। इस तरह की बातें रवि किशन के साथ यहां पवन सिंह ने बोली है। देखकर ये लगता है कि तांडव का वो सीन जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी घेरे हुआ है, उसे पवन सिंह ने देखा है। आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और साथ ही रवि किशन के साथ अपने प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। रवि किशन को वो अपना बड़ा भाई मानते हैं और कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रवि किशन ने जितना योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही रवि किशन ने यहाँ ये कहा कि इस लॉकडाउन में भोजपुरी इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन कई जगह फिल्मों की शूटिंग शुरू हो जाने की वजह से अब अपने आप को संभाल रही है भोजपुरी इंडस्ट्री। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।